बता दें पीएम मोदी की फिरोजपुर वाली जो रैली होनी थी वो फिलहाल रद्द हुई है। हालांकि कई बड़ी सौगात यहां पर देने थे लेकिन अब ये जानकारी कि सुरक्षा कारणों से फिलहाल ये रैली रद्द की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी फिरोजपुर में, जिसको अब रद्द करने की बात सामने आ रही है। सुरक्षा कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि ये रैली जो कि फिरोजपुर में होने वाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कैंसिल यानी रद्द हुई है। और इससे पहले आपको बता दें लखनऊ में जो रैली होने वाली थी वो भी रद्द की गई उसकी वजह कोरोना के कारण, लेकिन अब जानकारी फिरोजपुर रैली भी रद्द और इसकी वजह सुरक्षा कारणों को बताया जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्यों हुई रद्द ये रैली? पसीना वाले जा रहे थे तो उनको फ्लाईओवर पे जो है वहां रोक दिया, जो है पब्लिक ने बीच में आके रोका और करीब 15 से 20 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फंसे रहे वहां पे लोगों के बीच में। और इसी को लेकर जो है एमएचए की तरफ से भी ये कहा गया है कि स्टक किया गया उन्हें और इस वजह से जो है रैली को कैंसिल करना पड़ा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और इसको लेकर जिस तरीके के इंतजाम किए गए थे पंजाब पुलिस की तरफ से उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए एमएचए ने भी जो है डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। ये बहुत सीरियस मामला है अगर देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब कैवलकेट चलता है तो आसपास जो है वो लोग नहीं होते हैं और पूरी तरीके से पुलिस का बंदोबस्त होता है और रूट लगाया जाता है। अगर लोग भी हैं तो पुलिस रहती है दोनों तरफ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक जो है बहुत बड़ा मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, उसी को उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है फिरोजपुर की जो रैली है वो कैंसिल की गई है। तो सुरक्षा में बताया जा रहा है बड़ी चूक यहां देखी गई जिसको लेकर फिरोजपुर रैली रद्द की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हिमांशु हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, आप कह रहे हैं 15 मिनट का वेट करना पड़ा, दरअसल जरा बताइए हुआ क्या, क्या स्थिति वहां पैदा हुई कि 15 मिनट वहां पर रुकना पड़ा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बठिंडा एयरपोर्ट से जो है वो होशिनापुर जा रहा था और उसी बीच फ्लाईओवर में जो है लोग आ गए बीच के अंदर प्रधानमंत्री के काफिले के सामने और उसके बाद उनको हटाने के लिए पूरी 15 से 20 मिनट की जो है मशक्कत करने पड़ी। और एक तरीके से ये चूक का मामला था क्योंकि वहां पर पुलिस दोनों तरफ रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब प्रधानमंत्री निकलते हैं किसी भी रास्ते से तो वहां रूट लगाया जाता है, क्योंकि बाय रोड अगर वो जा रहे हैं तो रूट लगाया जाता है। किसी तरीके का कोई ट्रैफिक या आम आदमी को उस रूट पे आने के लिए जो है परमिशन नहीं होती है। लोग अगर कहीं है तो उनको दूर खड़ा किया जाता है। अगर वो लोग प्रधानमंत्री के कैवलकेट या काफिले के सामने आते तो एक तरीके की चूक है। और 15 से 20 मिनट जो है उनको होशियारपुर जा रहे थे उस फ्लाईओवर पे जो है वो रुकना पड़ा क्योंकि लोगों ने आके जो है उनके काफिले के आगे आके खड़े हो गए और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। तो एक तरीके से ये जरूर है कि ये फिरोजपुर रैली जो है सिक्योरिटी ब्रिज की वजह से जो है कैंसिल करने पड़ रही है। हाँ, हालांकि बारिश चल रही है लेकिन उससे पहले की ये घटना तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध और इसको लेकर जो है गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से जो है रिपोर्ट मांगी है और डीजीपी से सवाल तलब किया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस तरीके के बंदोबस्त किए गए थे और उसके अंदर जो है इस तरीके की कैसे लोग आ सकते हैं, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी गई। हिमांशु, देखिए थोड़ी देर पहले ये भी खबरें आ रही थी कि मौसम खराब था इसलिए ये फैसला लिया गया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वजह ये जो आप बता रहे हैं यही मेन वजह थी, 15 मिनट जब कुछ लोग वहां पहुंच गए उनका काफिला रुक गया उसको लेकर ही ये कैंसिल हुआ, ये रद्द हुई रैली? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब जा रहे थे तो रोड को ब्लॉक किया गया, वो शहीद भगत सिंह के स्मारक पे जा रहे थे होशियारपुर में और वहां जाके लोगों ने अगर रोड ब्लॉक किया है और उस वजह से जो है 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी जगह पर रुकना पड़ा जब रोड को ब्लॉक कर दिया गया। तो एक तरीके से रोड ब्लॉक के बाद प्रधानमंत्री वहीं रुके और उसके बाद पंजाब पुलिस और एसपीजी ने मिलकर जो है उस ब्लॉकेज को हटाया, लेकिन उसी बीच ये फैसला लिया गया जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम थे कि प्रधानमंत्री की जो रैली है उसको कैंसिल किया जाए। तो अब गृह मंत्रालय की तरफ से जो है जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया है कि कौन किस इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है, किन लोगों ने ब्लॉक किया और कैसे लोग जो है प्रधानमंत्री के उस पे आ गए रूट पर और उन्होंने ब्लॉक कर दिया पूरे रोड को, इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं पंजाब पुलिस को थी।